आई एम अमित. दिस इज द सिक्स्थ सीरीज ऑन योर चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चंस. ओके, बट बिफोर वी डिस्कस एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस सम आइडेंटिटी विच इज वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.5. ओके, सो कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लिख सकते हो. ठीक है, इफ यू हैव ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो इन दैट केस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. वन मोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. क्लियर. एंड लास्ट आइडेंटिटी की बात करें हम तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. एक्चुअली ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी आपकी यही तीन है. इसको मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं इसको मैं कैसे करने वाला हूं. आप देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एंड दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, यू विल गेट ए एक्स प्लस ए बी. क्लियर. जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब प्रोडक्ट करोगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू. ओके, सो एक्स स्क्वायर, आप यहां से x कॉमन कर सकते हो, देखो दोनों तरफ x है, x कॉमन कर लो, सो इन ब्रैकेट यू हैव a प्लस बी, बी प्लस ए आर ए प्लस बी, सेम थिंग है, डिफरेंट नहीं. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. तो ये एक आइडेंटिटी, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इस ऑर्डर में होगा आप, तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे डायरेक्टली. ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.5 एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, ए पार्ट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर वन का, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा. ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले प्रोडक्ट लेते हैं. तो 7a माइनस 8b को मल्टीप्लाई करना है 7a माइनस 8b, 7a माइनस 8b. देखिए दोनों तरफ आपको सेम एक्सप्रेशन दिख रहा हूँ, 7a माइनस 8b एंड 7a माइनस 8b, इन दोनों को आपको प्रोडक्ट करना है. तो आप यहां से देखो, अगर इसको मैं a कंसीडर कर लूं और इसको मैं b कंसीडर कर लूं, तो ये भी a होगा. 7a को मैंने क्या कंसीडर किया है, a, तो इधर भी 7a a कंसीडर होगा. और 8b को मैं b सिंपली कंसीडर कर लूं, तो इसको भी b कंसीडर होगा. तो ये आपका क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर. मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 7a माइनस 8b का होल स्क्वायर, 7a माइनस 8b का होल स्क्वायर. अब देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आप डायरेक्टली लगा दो, आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली आप लगाओ, ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 7a, तो 7a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह आपके पास क्या है 8b, तो 8b स्क्वायर माइनस 2ab. ए कितना है 7a और बी कितना है 8b. आपने बी को क्या कंसीडर किया 8b और ए को क्या कंसीडर किया 7a. ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर 7a स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, a स्क्वायर a, a स्क्वायर 8b स्क्वायर 64b स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14 एंड 14 8 जा 112 ab. तो ये आपका रिक्वायर्ड
आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 49 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर माइनस 112 ए बी, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट होगा। यहां से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास है ए प्लस बी इक्वल टू 7 गिवन है एंड ए बी इक्वल टू 10 गिवन है आपको, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर, ठीक है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, तो आप ऐसा करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, तो ए प्लस आपको क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी की जगह कितना गिवन है आपको 7, तो यहां 7 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्रॉस बी कितना गिवन है, ए बी मतलब 10 गिवन है आपको, तो यहां आप 10 पुट कर सकते हो, 7 स्क्वायर 49 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। आप इधर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट 29, यू विल गेट 29, तो आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपकी वैल्यू 29 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 49 माइनस 20 29। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में आपको इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ 89 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज। अब इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसको फिर आपको टिक करना है। तो देखिए वैसे तो अगर हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना, 89 का स्क्वायर करेंगे फिर 11 का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो आप ऐसा कर लो जो आपको ये गिवन है 89 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, इसको हम ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें, तो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्लियर। सो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ 89, आपने 89 को ए कंसीडर किया है तो 89, बी कंसीडर किसको किया है 11 को, तो 89 माइनस 11 इन वन ब्रैकेट एंड 89 प्लस 11 इन अदर ब्रैकेट, सो 89 माइनस 11 78 और 89 प्लस 11 100, 100 इंटू 78 7800। बिना कैलकुलेशन के आपका ये क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती, पहले 89 का स्क्वायर निकालते हैं फिर 11 का स्क्वायर निकालते फिर आप माइनस करते फिर जाके आपकी वैल्यू आती, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो कि ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ए कंसीडर कर लें इसको बी कंसीडर कर लें, 89 को ए कंसीडर कर लिया 11 को बी कंसीडर कर लिया, और फिर ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसकी वैल्यू वो आइडेंटिटी यूज की और फिर ए और बी की जो वैल्यू हमने लेट की थी उसको पुट कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, आप टू में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यूज करके आपको स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, मतलब ये जो टर्म गिवन है आपको एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन जो एक्सप्रेशन गिवन है इसके स्क्वायर गिवन है इसकी आपको वैल्यू बतानी है, और डायरेक्टली नहीं आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, आपको क्या करना है आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखिए अगर हम इसको ए कंसीडर कर लें, एक्स को मैंने ए कंसीडर किया है एंड सेवन को मैंने बी कंसीडर किया है, तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ए प्लस बी का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर। तो ए प्लस बी का अगर हमको होल स्क्वायर पता है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर, ए की जगह आपने क्या कंसिडर किया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस
बी की जगह आपने क्या कंसीडर किया है, सेवन, तो सेवन का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह आपने एक्स कंसीडर किया और बी की जगह सेवन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर सेवन स्क्वायर 49 प्लस सेवन टू जा 14x, सेवन टू जा 14x, तो ये आपके एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्लियर, और आइडेंटिटी यूज करते हुए आगे, ठीक है। तो जब भी आपको आइडेंटिटी यूज करने को आएगा, आपको एक वैल्यू को ए लेट करना होगा, दूसरी वैल्यू को बी लेट करना होगा, फिर आप देखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यूज कर लिया, क्लियर। बी पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट देखिए क्या है, एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल स्क्वायर। अब आप क्या कर लो, इसको ए कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, ए और बी, इसको आपने ए बी कंसीडर किया और ये लिखा क्या हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आप उस एक्सप्रेशन को लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। सो आपकी वैल्यू निकल आएगी, एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है और ए की जगह आपने लिया क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस बी क्या लिया है आपने, थ्री जेड, तो थ्री जेड होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी की जगह थ्री जेड और उसका स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए की जगह आपके पास एक्स वाई है, आपने एक्स वाई को ए कंसीडर किया है और थ्री जेड को बी कंसीडर किया है, थ्री, क्लियर। अब एक्स वाई होल स्क्वायर यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नाइन जेड होल स्क्वायर, सॉरी थ्री जेड होल स्क्वायर, नाइन जेड स्क्वायर, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, मल्टीप्लीकेशन करना आपको आता ही है, आपने 6.4 एक्सरसाइज में पढ़ा है, 6.3 में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी यूज करते हुए, ठीक है। सी पार्ट देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई होल स्क्वायर, इसमें भी यही करते हैं, इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन है हमारे पास, ए प्लस बी का स्क्वायर अगेन है हमारे पास, तो हमको यही फॉर्मूला आप बार बार इसी को पहले यूज करोगे, आइडेंटिटी पहले यहां लिखोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी यूज करोगे, फिर आप वैल्यू डायरेक्ट लिख दोगे, सो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, और ए को आपने लेट क्या किया है, इसी को तो आपने ए लेट किया है और इसको बी लेट किया है, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी टू एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह आपने क्या लेट किया है, फाइव वाई प्लस टू ए बी, टू ए की जगह आपके पास टू एक्स स्क्वायर है, ए की जगह टू एक्स स्क्वायर है, इंटू वाई की जगह टू एक्स वाई होता है, तो टू ए बी, बी की जगह आपके पास फाइव वाई है, फाइव वाई, इसको आप सॉल्व कर लो, टू स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स पावर फोर, आपको पता है पावर के ऊपर पावर होगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इधर आइए, फाइव स्क्वायर 25 और वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर, फोर फाइव जा 20, 20 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर। डी पार्ट करते हैं इसका, एक्स माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री वाई होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया, इसको मैंने बी कंसीडर कर लिया, तो इस बार हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, क्लियर। अब यहां से आइए आप देखिए, सो एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए की जगह आपने क्या कंसीडर किया है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या कंसीडर किया है आपने, थ्री वाई, थ्री वाई होल स्क्वायर
माइनस टू, ए की जगह क्या है आपके पास x और b की जगह है 3y. सो x स्क्वायर 3y होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 टू जस्ट 6 एक्स वाई, 3 टू जस्ट 6 एक्स वाई. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. क्लियर? तो ये फोर्थ पार्ट हो गया इसी तरीके से डी पार्ट. ई पार्ट और एफ पार्ट और जी पार्ट आपका होमवर्क होगा. ई एफ एंड जी पार्ट विल बी योर होमवर्क. ओके, ये पार्ट आपके होमवर्क हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. इसमें भी आपको यही करना है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग. थर्ड में क्या है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग. कुछ आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, उनका प्रोडक्ट चाहिए और सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए. तो अगर हम मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ, इसको बी कंसीडर कर लूँ, तो यहाँ पर भी आप इसको ए ही तो कंसीडर करोगे, क्योंकि इधर भी एक्स को आपने ए कंसीडर किया था, इधर भी एक्स है, और फोर को आप बी कंसीडर किए थे, तो बी अभी भी हमारे पास है. तो हमारे पास इन वन ब्रैकेट वी हैव ए प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट वी हैव ए माइनस बी, ए माइनस बी. तो अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें, तो हमने पहले भी यूज किया है, और इस वैल्यू क्या आती है आपने देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. तो ए माइनस बी ए प्लस बी आपका किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर डायरेक्टली हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या है आपके पास, x, आपने ए किसको कंसीडर किया, x को. सो ए स्क्वायर यानी मीन्स x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b किसको कंसीडर किया, 4. सो 4 स्क्वायर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. क्लियर? तो इस टाइप की आइडेंटिटी आसान होती है, आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को. 3x प्लस 7 आपके पास गिवन है और 3x माइनस 7. तो आप यहाँ ऑब्जर्व करो, एनालाइज करोगे, तो आप देखो खुद ही यहाँ आपके पास क्या है, a है, और यहाँ पे अगर आप इसको b लेट कर लो, और a भी आपका a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3x है, ये भी 3x है, a हो जाएगा, और ये b 7 7. सो इन वन ब्रैकेट वी हैव a प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट वी हैव a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है आपको पता है, a माइनस बी और a प्लस बी आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है. सो आपकी जो 3x प्लस 7 और 3x माइनस 7 की जो वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर, और a आपने किसको लेट किया, 3x को. तो ए स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b किसको लेट किया आपने, 7 7 स्क्वायर. और 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, और 7 स्क्वायर मीन्स 49. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा. ठीक है, सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपका इजी है, आपका ले जाओगे 2x माइनस 5y और 2x माइनस 5y. अब यहां देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है. देखिए a इसको अगर मैं लेट कर लूँ, इसको अगर मैं b लेट कर लूँ, तो इसको भी मुझे a लेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीजें हैं, और इधर आपको b लेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू हैव 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर. तो ये आपका a माइनस बी, और ए भी आपका a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी दो बार लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, दिस मीन्स 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर. अब ये आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पहले से फैमिलियर हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab. सो वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y होल स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए कितना है, 2x होल स्क्वायर प्लस बी कितना है, 5y होल स्क्वायर माइनस 2x 2x, और b की जगह आपके पास 5y है, 5y, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर
5y² 25y² 2 2 4 4 5 20 -20xy। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही करना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन गिवन है एल्जेब्रिक, पहले आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि वो भाई आपके हैं कैसे, किस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उस हिसाब से फिर आप क्या करोगे, आप अपनी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी को यूज करोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट इसका सिंपल सा है, 6 - 1/5x एंड इन अदर ब्रैकेट वी हैव 6 + 1/5x। यहां से आप देखो, अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूं, इसको बी कंसीडर कर लूं, तो इसको भी मुझे ए ही कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि 6 इधर है, 6 इधर है, और इसको भी मुझे बी कंसीडर करने पड़ेगा क्योंकि 1/5x को मैंने बी कंसीडर किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी किसकी, 6 - 1/5x एंड 6 + 1/5x दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू आपने क्या लेट की है, 6, तो ए स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 1/5x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आपने बी कंसीडर किया, इसको आपने बी कंसीडर किया, 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, तो ये आपका आ गया 36 - x स्क्वायर बाय 25। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं अब हम। फोर्थ में देखिए, यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स ये मैंने आपको, उनके प्रोडक्ट आपको बताना है इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। इस आइडेंटिटी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस आइडेंटिटी का जो प्रोडक्ट आता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ये x है, ठीक है, और ये a गिवन है, ये x है और ये b गिवन है, ऐसे ही तो कुछ फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इधर भी हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी है, यानी ये x है, इसको मैंने a ही x ही माना है, इसको मैंने a कंसीडर कर लिया है और इसको मैंने b कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस बी इन अदर ब्रैकेट। तो x प्लस ए और x प्लस बी होता क्या है, आपने पहले पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, यहां पे आपके पास गिवन भी है, प्लस ए बी, ठीक है। सो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस थ्री एंड इन टू एक्स प्लस सेवन की, ये हो जाएगी, एक्स की जगह पे तो हमारे पास एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे हमारे पास क्या है, थ्री, तो थ्री, बी की जगह पे क्या है हमारे पास, सेवन एक्स, प्लस ए की जगह थ्री और बी की जगह सेवन, सो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस थ्री 10x प्लस 21 प्लस 21, क्लियर। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखते हैं, सो बी पार्ट में हमारे पास 4x प्लस 5 है इन वन ब्रैकेट एंड 4x प्लस 1 है हमारे पास अदर ब्रैकेट में। तो 4x को मैंने x कंसीडर किया और 5 को a, 4x को x फिर से कंसीडर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहां पे 4x को मैंने x कंसीडर किया था, इसलिए यहां पर भी x कंसीडर कर लिया, और 1 को b, सो वी हैव x प्लस a इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस b इन अदर ब्रैकेट। तो प्रोडक्ट ऑफ x प्लस a एंड x प्लस b विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी, पहले हम लोग जान रखते हैं, पहले हमने सीखा इसको। सो 4x प्लस 5 एंड 4x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, x स्क्वायर, और x आपने क्या लेट कर रखा है, 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, अब a आपने क्या लेट किया है, 5, b क्या लेट किया है, 1, तो 5 प्लस 1x,
प्लस ए बी ए 5 इंटू 1, क्लियर। सो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5 1 6x, 5 1 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का, बी पार्ट का आपका ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। सी पार्ट देखते हैं, यहां से देखिए अगर मैं इसको x सिलेक्ट कर लूं कंप्लीट और इसको मैं ए लेट कर लूं, इसको भी मुझे x ही लेट करना पड़ेगा और इसको मैं b लेट कर लेता हूं, ठीक है। सो दिस टाइम वी हैव x प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस b इन अदर ब्रैकेट। तो ये तो अब आपको पता नहीं है, देखिए आपको तो ये आइडेंटिटी पता है x प्लस ए और x प्लस b, और इसका इसके वैल्यू भी आपको पता है किसके बराबर होती है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर होती है। लेकिन इस बार b आपका पॉजिटिव नहीं है, पिछली बार b आपका पॉजिटिव था, देखिए प्लस वन लिखा हुआ था, प्लस b था, इस बार b आपका पॉजिटिव नहीं है, आप माइनस वन है, मतलब माइनस में है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जब भी b या a कुछ भी नेगेटिव आएगा तो आप जब वैल्यू पुट करने लगोगे वहां पर माइनस पुट कर देना, ठीक है। तो सो वैल्यू ऑफ 3/5x प्लस 4 और 3/5x माइनस 1 will be equal to x square, और x आपने क्या लेट कर रखा है 3/5x को, तो 3/5x square plus a minus b, sorry a plus b, तो a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है माइनस 1, यहां से आप देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो यहां माइनस 1 पुट कर दो, x plus a b, a कितना है आपके पास 4 और b कितना है आपके पास माइनस 1, b कितना है माइनस। सॉल्व कर लीजिए 3/5 का स्क्वायर 9/25x स्क्वायर प्लस 4-1 3x प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4, 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो सिंपल सा होगा, जब भी b या a अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहां पे देखिए दोनों पॉजिटिव था तब तो आपको यही आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन इन केस अगर कोई भी एक आपका नेगेटिव आ गया, a नेगेटिव आ गया या b नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या करना है, जब आप वैल्यू पुट करना तो वहां पे नेगेटिव पुट कर देना, ठीक है। जब भी आप आइडेंटिटी की वैल्यू में a b की वैल्यू पुट करोगे, तो अगर a आपका नेगेटिव हुआ तो a नेगेटिव पुट कर देना, और अगर b नेगेटिव हुआ तो b नेगेटिव लिख देना, ठीक है। जैसे यहां b माइनस 1 था तो मैंने माइनस 1 पुट कर दिया, ठीक है। डी पार्ट विल बी योर होमवर्क, सिंपल सा क्वेश्चन है, कल ले जाएंगे आप सेम आइडेंटिटी पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 3a-4b का होल स्क्वायर प्लस 2a+3b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर इसको मैं कंसिडर कर लूं a और इसको b कंसिडर कर लूं, तो ये कैसा फॉर्मेट है हमारे पास, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, और अगर इसको मैं a कंसिडर कर लूं कोई, ठीक है, और इसको मैं b कंसिडर कर लूं, तो ये कैसा फॉर्मेट हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पहले पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले मतलब इसी वीडियो में हमने पढ़ा था, माइनस 2ab, एकदम स्टार्टिंग में मैंने जब आपको आइडेंटिटी समझाई है, ठीक है। और a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये वाली आइडेंटिटी चलेगी, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये चलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब इसको, तो अब यहां से देखिए आप 3a की जगह आपके पास क्या है 3a, और 3a का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b की जगह क्या है यहां पे 4b, माइनस का 4b है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे 4b, यहां हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4b का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 2ab, 2a कितना है आपके पास 3a, और b कितना है आपके पास 4b, b कितना है आपके पास 4b, ये जो मैंने माइनस प्लस वाली साइन बताई थी वो इसी आइडेंटिटी के लिए बताई थी, x x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab,
इसमें नहीं लगेगा कि अगर आपके पास b माइनस है तो आप माइनस पुट करने लगो। यहाँ तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले में यूज किया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसमें प्लस माइनस साइन आएगी तो वो मैटर नहीं करेगी, वो आप ऑलरेडी आइडेंटिटी में ही लेके चल रहे हो, प्लस माइनस साइन पहले से आपने कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कंप्लीट। नाउ प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अब इसको आप सॉल्व करो। तो यहां पर हमारे पास कैसा फॉर्मेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a यहां पर हमारे पास कितना है 2a, तो a स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो b हमारे पास कितना है 3b का स्क्वायर, प्लस 2ab, प्लस 2ab है ना, तो 2a की जगह कितना है आपके पास 2a और b कितना है 3b, आपने इसी को तो कंसिडर किया ab, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24ab, तो माइनस 24ab इन वन ब्रैकेट, यानी इसको मैंने कंप्लीट पूरा सॉल्व किया तो हमको ये मिला, ठीक है। प्लस फिर प्लस है हमारे पास, तो प्लस अब इधर आइए, इसको सॉल्व करिए, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, 9b स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12ab, प्लस 12ab, ठीक है। अब प्लस है तो आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 12ab, 12ab। अब लाइक अनलाइक टर्म्स ऐड सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो लाइक टर्म 9a स्क्वायर और 4a स्क्वायर लाइक टर्म है, तो 13a स्क्वायर हो जाएंगे, 16b स्क्वायर और 9b स्क्वायर 25b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24ab और प्लस का 12ab, प्लस माइनस माइनस होता है तो 24 माइनस 12 12 12ab, और साइन लगेगी नेगेटिव की क्योंकि 24 इज ग्रेटर देन 12, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू, क्लियर। बी पार्ट देखते हैं, सो इन बी पार्ट वी हैव 3x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 होल स्क्वायर, 3x माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। माइनस माइनस है तो माइनस, अब इस वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका यही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 9x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो प्लस 30x माइनस, इस बार आपके पास माइनस है तो माइनस, अब इसको सॉल्व करिए, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, माइनस का 30x, क्लियर। अब ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए आप, सो 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30x माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस 30x प्लस 30x। अब लाइक अनलाइक टर्म्स को देख लीजिए और ऐड सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर लाइक टर्म है, ठीक है, और प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, 25 प्लस में है 25 माइनस में है तो ये भी जीरो हो जाएगा, 25 माइनस 25 जीरो होता है,
और 30x लाइक टर्म है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 30x 60x, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 60x, यू विल गेट 60x, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। सी पार्ट देखते हैं। द सी पार्ट यू हैव फोर एम प्लस 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इसको a कंसीडर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। इसको कंसीडर करें a और इसको b कंसीडर करें तो ये भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, यानी दोनों तरफ हमारे पास a प्लस बी चलने जा रहा है। तो देखिए a स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5n का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, क्लियर। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, प्लस यहां पे देखिए आप 5m, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर भी चलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, क्लियर, 2ab। अब यहां पे देखिए 4m का स्क्वायर मीन 16m स्क्वायर, 5n का स्क्वायर मीन्स 25n स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40mn। तो आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, प्लस प्लस की साइन है आपके पास। फिर अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर, और 5 2 जा 10 एंड 10 4 जा 40, 40mn, 40mn, क्लियर। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को देख लीजिए, प्लस हो रहा है, इधर सारी वैल्यूज प्लस ही प्लस में है, कोई चीज माइनस तो है नहीं। तो एम स्क्वायर लाइक टर्म है, तो 16 और 25, 21m स्क्वायर, 25n स्क्वायर और 16m स्क्वायर, 41n स्क्वायर, 40mn प्लस 40mn, 80mn, 80mn। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस आपको पहले फॉर्मेट देखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर चल रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, और अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले पे ओपन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट विल बी योर होमवर्क, डी पार्ट आपका होमवर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या करना है, शो दैट a पार्ट है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 24x विल बी इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। मीन्स आपको इस टर्म को, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आपको ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि आपको ये बताना है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ये शो करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, LHS को, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली साइड, तो LHS कितना है हमारे पास 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a 3x और b 7, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 84x लिखा हुआ है, माइनस का 84x लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 3x का स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, 42x माइनस 84x, माइनस 84x। यहां से देखिए 9x स्क्वायर प्लस 49x, 49 ये लाइक टर्म है तो ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, हालांकि यहां सब्सट्रैक्ट होंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 42 माइनस 84 माइनस का 42x, माइनस का 42x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां चलेगा, ये a है ये b है और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए डी, टू ए बी। सो थ्री एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन सेवन जा 49, सेवन स्क्वायर मीन्स 49 माइनस थ्री टू जा 6 और 6 7 जा 42x। ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आ गया। तो आप यहां से देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड को जो आपने सॉल्व किया ये वैल्यू आई, और जो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया ये वैल्यू आई। तो यहां से आप देखो ये वैल्यू बराबर है, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और दिस शोज दैट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x विल बी इक्वल टू 3x माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड ये था, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों बराबर होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही मतलब आंसर क्या होगा, इसमें आपको प्रूफ करना है, तो यहां पे आप लिख दोगे प्रूफ। हैंस प्रूफ या प्रूफ लिख सकते हो, प्रूफ। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ इसमें यही करना था कि ये वैल्यू इसके बराबर आपको दिखानी है। ठीक है, तो कैसे वन बाय वन करना है, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और फिर उसको दिखा देना कि ये दोनों आपस में इक्वल है। बी पार्ट आप खुद करेंगे, बी पार्ट आपका होमवर्क होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा। ठीक है, उसमें भी पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके बी पार्ट में, राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी सेवेंथ पार्ट देखिए, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको इस बार आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फाइंड 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करूं तो बहुत टफ होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि 983 का स्क्वायर करना, फिर 17 का स्क्वायर करना, फिर उसमें माइनस करना। 17 का स्क्वायर तो ठीक है आप निकाल लोगे, 289 इसका स्क्वायर करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइडेंटिटी का क्यों ना यूज करते हैं हम, देखिए इसको हम ए कंसिडर कर लें तो हमारे पास ये ए स्क्वायर हो गया, और इसको अगर मैं बी कंसिडर कर लूं तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए मींस 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 983 प्लस 17 और 983 माइनस 17, 983 माइनस 17, क्लियर। 983 प्लस 17 1000 हो जाएगा, और अगर आप 983 में 17 माइनस करोगे तो 966 मिलेगा, 966 मिलेगा। ठीक है, 966 इंटू 1000 करोगे तो यू विल गेट 966000। तो देखिए कितनी आसानी से आपने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करते हुए 966000। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपके पास है 194 इंटू 206, अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आइडेंटिटी का यूज करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। तो 194 कैन बी रिटन एज 200 माइनस 6, और 206 कैन बी रिटन एज 200 प्लस 6। अब यहां से देखिए आप ए माइनस बी, अगर इसको ए कंसिडर कर ले तो हमारे पास ए माइनस बी है, और इसको भी हमको ए ही कंसीडर करना पड़ेगा, और ये बी, क्योंकि मैंने ए और बी को पहले 200 और 6 असाइन कर दिया है। तो ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट और ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट। सो ए माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हम पहले भी जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, सो 200 माइनस 6 इंटू 200 प्लस 6 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए आपने क्या लेट किया 200, 200 स्क्वायर माइनस बी 6 स्क्वायर।
200 स्क्वायर मीन्स 4, 2 जा 4 और यहाँ पे 4 टाइम्स 0, 6 का स्क्वायर 36 माइनस कर लोगे तो यू विल गेट 39,964, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर? तो आइडेंटिटी का हेल्प लेकर आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग इट। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं, आपको आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको इसको थोड़ा सा इजी भी बना देगी। ठीक है, सी पार्ट आपका होमवर्क होगा, इसी तरीके से उसमें भी करना है आपको, कुछ भी नया नहीं करना है। सी पार्ट में आपको क्या है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, 10 प्लस 2.1 का स्क्वायर कर सकते हो आप इसको, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 माइनस 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे लिख तो सकते हो इसको, तो आप कैसे करोगे फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, मीन्स होमवर्क क्या कर ही लेते हैं, तो ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, अगर इसको मैं ए कंसीडर कर लू इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट और ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट, 12.1 प्लस 7.9 20 हो जाएगा, और 20 इंटू 12.1 माइनस 7.9 4.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 कैंसिल होगा 2 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80, यू विल गेट 84। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्युएट, आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको इवेल्युएशन करना है। तो देखिए 99 का स्क्वायर अगर हमारे पास है तो हम 99 का स्क्वायर तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 99 क्रॉस 99, लेकिन आपको आइडेंटिटी को यूज करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो देखिए 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का स्क्वायर, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए 100 माइनस 1 99 और 99 का स्क्वायर। क्लियर? अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी का स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 100 स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2g को 20 का स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, पीछे 1 स्क्वायर 1 माइनस 200 माइनस 200, अब ये ऐड हो जाएगा फिर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो या तो पहले सब्सट्रैक्ट कर लो, 10,000 माइनस 200 करोगे 9800 और 9800 प्लस 1 कर लो तो 9801 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपने 99 का स्क्वायर निकाल लिया बिना उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए, आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं, 67 का होल स्क्वायर है, 67 का होल स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कई सारे तरीके हैं इसको लिखने के, या तो आप 70 माइनस 3 का स्क्वायर लिख लो या 60 प्लस 7 का स्क्वायर लिख लो, जैसे आप लिख पाओ। तो मैंने ऐसे ही लिख लिया है 70 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास फिर से बना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है आपके पास 70, ये a है ये b है तो 70 और b कितना है 3, ये कितना है 3, तो ए स्क्वायर आपका 4900, मतलब 70 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 00 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 70 इंटू 2 करोगे 140 और 140 इंटू 3 करोगे 420। अब आप पहले या ऐड कर लो या माइनस कर लो, जैसे आप कर पाओ। तो अगर आप ऐड करते हो तो 4909 माइनस 420 ऐसे लिख लो, फिर आप माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो 9 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 8, 8 माइनस 4 4 और यहाँ पे 4, तो 4480 आपका आंसर आ जाएगा, 4480 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सी पार्ट देखिए क्या है, 102 का होल स्क्वायर, 102 का होल स्क्वायर, इसको करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको सिंपल है, 100 प्लस 2 बना लीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 100 स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4,
टू टू जा 100, टू जा 200, 200 टू जा 400, आप ऐड करोगे तो 10,000 प्लस 400, 10,400 प्लस 4, तो 10,404 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली आप डी पार्ट करोगे, 81 का स्क्वायर है तो 81 का स्क्वायर आप 80 प्लस 1 का स्क्वायर लिख लो, 90 माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, अब जैसे लिख पाओ। तो अगर आप 80 प्लस 1 लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, कर लेंगे आप। ठीक है, ई पार्ट देखते हैं, ई पार्ट भी आप कर लोगे। 78 इंटू 82 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 78 को मैं लिख लूँ 80 माइनस 2 और 82 को लिख लूँ मैं 80 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी। इसको अगर मैं a लेट करूँ तो a माइनस बी, और इसको मैं a लेट करूँ और ये b, ए ही होगा क्योंकि 80 को a दिया है तो इधर भी 80 a ही होगा, 2 को b लिया है तो 2 इधर भी b होगा। ठीक है, तो a माइनस बी इन वन ब्रैकेट, a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू है 80 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2, तो 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6396। ठीक है, एफ पार्ट विल बी योर होमवर्क, एफ पार्ट आपका होमवर्क होगा। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। 297 इंटू 303 है, ठीक है, तो आप 300 माइनस 3 लिख लोगे इसको, और इसको लिख लोगे 300 प्लस 3, और a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाएगा, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लोगे। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इन 9 यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ये आपने आइडेंटिटी पहले भी पढ़ रखी है, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी होता है तो ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपको इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसकी वैल्यू बतानी है 55 क्रॉस 52 की। तो 55 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 5 एंड 52 कैन बी 50 प्लस 2। सो ये देखिए आपका x हो गया, तो x प्लस ए, और ये अगर x ए बी x होगा क्योंकि 50 को आपने x माना है तो इधर भी x होगा, और ये b हो जाएगा, तो x प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस बी इन अदर ब्रैकेट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ये जो वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 50 का स्क्वायर, x को आपने 50 साइन किया, प्लस a प्लस बी, ए आपके पास 5 है, b 2 है, तो 5 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और x की जगह आपके पास क्या है 50, और इंटू ए प्लस बी, प्लस ए बी की बात करें तो a 5 है और b आपके पास 2 है, तो 50 का स्क्वायर 2500, 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 50, 7 इंटू 50 350, और 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, इनको ऐड कर लीजिए, तो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 2860, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 55 क्रॉस 52 क्या होगा, 2860 यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू बता दी। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट है, इसमें भी x प्लस ए एक्स प्लस बी करना है, तो 103 इंटू 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 8, यहां से देखिए x प्लस ए हो गया ये हमारे पास और x प्लस बी हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 3 प्लस 8 एक्स, ए प्लस बी एक्स मीन्स 3 प्लस 8 एक्स प्लस ए बी, प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, 100 स्क्वायर 10,000, 3 प्लस 8 11, 11 इंटू 100 1100, और 3 8 जा 24, आप ऐड कर लो तो 4 2 1 1 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 11124। सी पार्ट विल बी योर होमवर्क, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ करना नहीं है। 206 इंटू 204 होगा, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 200 प्लस 6 और 200 प्लस 4, और फिर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी इवेलुएट, आइडेंटिटी को यूज करते हुए इवेलुएट करना है, तो 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं इसको, अब 5 प्लस 0.2 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर।
फाइव स्क्वायर 25, पॉइंट टू स्क्वायर 0.02, 0.04 सॉरी, प्लस 5 टू जा 10 एंड 10 इंटू पॉइंट टू, 10 इंटू पॉइंट टू 2 आएगा, ठीक है। आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर देख सकते हो, पॉइंट एलिमिनेट करोगे 10 कैंसिल 2 आ जाएगा। सो 2 प्लस 25 27, 27 प्लस 0.04 27.04 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी यूज करते हुए तो यू विल गेट दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू। सिमिलरली बी पार्ट है, 4.9 का स्क्वायर करना है वहां पे, तो 4.9 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 0.1 स्क्वायर। अब a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ए स्क्वायर 25, 0.1 स्क्वायर 0.01, 0.1 स्क्वायर 0.01, 25 जा 10, 10 इंटू 0.1 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, मैंने बताया था पॉइंट एलिमिनेट करेंगे आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 24 प्लस 0.01 यू विल गेट 24.01, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सी पार्ट करते हैं, 10.3 इंटू 9.7, चलिए इसको देखिए कैसे आइडेंटिटी यूज करते हुए कर सकते हैं। तो वी कैन रिटर्न 10.3 एज 10 प्लस 0.3 एंड 9.7 एज 10 माइनस 0.3। देखिए 10.3 और ये 9.7। अब a प्लस बी, a माइनस बी, इसको a कंसीडर करें, इसको b, तो a प्लस बी a माइनस बी, और ये होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 0.3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.09, क्लियर। अब 100 माइनस 0.09 यू विल गेट 99.91, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आइडेंटिटी का। डी पार्ट विल बी योर होमवर्क, डी पार्ट आपका होमवर्क होगा, आप उसको करेंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर, ओके। सो थैंक यू।